एक बड़ा अच्छा टंग ट्विस्टर मैंने निकाला है ये जो एपिसोड मैं शुरू कर रहा हूं उसके लिए। हसीनाओं की हसी हसी तो फसी, हसीन हसी हसीनाओं की हसी, मैं हसी तू हसी सब हसी। हाँ हसी हसी हम कर रहे हैं, ये माइक हसी और माइकल हसी नहीं है और ना ही शेख हसीना है जो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है। हम सिर्फ हसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मैं अभी हंस रहा था ना करके, तो हसी लेके हमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम हंसे कैसे। और एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, मुझे भी ऐसे लगता था, डाउट था कि हास्य रस और हंसी ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। तो इस एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं, बिगिनिंग में हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल आपका पैर जो है वो एक्टर बनना चाह रहा है, जा रहा है और ये एक्टर आप बन गए, आप जो भी हैं, ये मेरे लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो मैं ये एपिसोड बार बार देखता हूं कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा। तो चलिए आज से जो ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं कि हम इमोशन पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, आप घर में बैठ के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आज हम हंसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हंसी कितने तरह की हंसी है और हंसना कैसे है और हंसते 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 पेट दर्द हो जाता है, ऐसे होता है। सो मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट, मेरे साथ एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। हंसी तो फंसी, अगर एक बार हंस दिया मुड़ के हमें देख के पलट 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 और उसने हंस दिया, बस मामला सेटल हो गया। लेकिन ये हंसी सिर्फ हंसी नहीं है, अब ये भी हो सकता है कि अचानक आप चल रहे हैं और चलते चलते केले के छिलके में आपका पैर गिर गया और आपके दोस्तों के साथ आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मैं तो ऐसा हूं स्ट्रांग हूं, और आप झप से गिरे और बहुत जोर लगा, बाकी दोस्तों को हंसी आ जाएगी, है ना, होता ही है। इसके अलावा भी कई सारे सिचुएशन होता है, अचानक लोग हंसने लगते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की हंसी है। अब मैं आपको बता रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके मम्मी कैसे हंसती है, आपके पापा कैसे हंसते हैं। मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे अलग अलग सिचुएशन में हम तो अलग अलग तरीके से हंसते हैं, जैसे मैं बहुत फर्जी भी हंसता हूं कभी कभी हंस देते यार, ऐसे करके भी हंस देते, लेकिन ये फर्जी हंसना जो है वो मुझे पता है कि मैं हंस रहा हूं लेकिन मुझे पता है हंस रहा हूं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, मेरा ब्रीदिंग क्या चल रहा है, मैं हंस तो रहा हूं, ऐसा नहीं ऊपर से हंस रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मेरे लिए अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होता है, जब बहुत दोस्तों के साथ है तो ऐसे भी हंसता हूं, तो ऐसे जोर से हंसता हूं कभी कभी मैं किसी को देख के कभी गुस्से में होता है, क्लास कोई लेट आया, मैं जैसे क्लास कर रहा हूं तो कहां थे लेट क्यों है, तो वो गुस्से वाला हंसी। अब हमारे जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग हंसते, मतलब कल अगर मैं बाजार गया और किसी ने कहा, मैंने कहा कांदा कितने का है, तो भैया कांदा कितने का है, तो कहा कि 2000 रुपए किलो क्या। अब अलग अलग लोग भी अलग अलग तरीके से हंसते, जैसे मेरे एक दोस्त है इससे भी लाउड हंसती है वो। मैंने उसको कहा था, वो मेरी एनएसडी की बैचमेट है, तो उसको कहा था मैंने कि एक काम करूंगा ना, मैं जब एक घर खरीद लूंगा ना, तो घर नहीं गाड़ी खरीद लूंगा ना, तो गाड़ी का जो बैकलाइट होगा ना टैव टैव टैव, उसमें तेरी हंसी जो है उसको मैं सेट करवा दूंगा, तो बाकी सब लोग ऐसे पीछे हट जाएंगे। और भी एक दोस्त है जिसको मैंने कहा था तुम्हारा आवाज ना जो हंसी है उसको मैं अपने घर के कॉलिंग बेल में लगाऊंगा, क्योंकि इतने लाउड हंसते। अब कभी कभी होता है मेरे और एक दोस्त है जो ऐसे हंसती है, तो ऐसे हंसते, अब अंदर से भी ऐसे भी हंसते, अब कुछ लोग डाउन भी हंसते। अब जो हम माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं, असुर कैसे हंसता है, वैसे लोग हंसते हैं अब इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा देंगे तो मैंने एक असुर का किरदार किया था, उसमें भी वो उसका आवाज दमदार है, बाद भी वैसे करता है, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ है। लेकिन लार्जर देन लाइफ कहां से क्रिएट होता है, अगर आप जिंदगी में कुछ देखते हैं अपने लाइफ में वही को उसी को एक्सटेंड करते हैं ना,
तो वो हो जाता है कुछ बड़ा और ही आ जाता है। अब मैं हंसता हूँ इसका ही एक वर्षन दो वर्षन जो स्केल होता है हम कहते हैं उसके ऊपर। अब नीचे आएंगे तो कुछ और होगा। अब कुछ लोग होता है बिल्कुल ऐसे चोरी छुपे हंसते, तो अलग अलग तरीके के। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं मतलब बिलियंस ऑफ पीपल, उन सब का हंसी अलग है। आप जब भी फिल्म देखेंगे ना या फिर कुछ भी देखेंगे, लोगों को देखेंगे, यही होता है ऑब्जर्वेशन पावर कि आप अलग अलग तरीके के लोगों को देख रहे हैं। मतलब कोई है बिल्कुल कैजुअल खुला हुआ, ए भाई क्या हाल है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे एक स्टूडेंट है दिल्ली से, वो हमेशा ऐसी रहती है हंसमुख है, उसको देख के लगता है कितनी क्यूट है, मतलब गुस्सा भी करती लगती है कितनी क्यूट है, वो शायद देख रही होगी तो ऐसे बिल्कुल हंसी। तो अलग अलग लोगों को ना देखिए सब लोग हंसने का। जैसे मेरा रूममेट जो है वो जब हंसता है ना वो मतलब वो एक्साइट हो जाता है ऐसे ऐसा ना हाथ ऐसे करता है आवाज भी अलग अलग होता है लोगों का, बिल्कुल हंसी के टाइम पे अलग अलग आवाज निकलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम इसको फिल्मों में या फिर थिएटर में जब हम एक्ट कर रहे होते स्पेशली उसको जब हम क्रिएट कर रहे होते तब ये नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए जितना प्रैक्टिस चाहिए आपको पता ही नहीं कि आप जब हंसते हैं हंसते हंसते पेट दर्द क्यों होता है। मैं अगर बहुत ज्यादा हंसू पेट दर्द होगा, क्योंकि जो हम कहते हैं ना स्टोमक से बात करो, ब्रीदिंग लो, ब्रीदिंग तो आप यही लेंगे, आपके फेफड़े ही फूलते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन ये पेट में जब प्रेशर आता है ना आपके सारे मसल्स, आप अगर कभी हंस रहे हैं ना खुद को एक बार ऑब्जर्व करके देखिए क्या आप हंस रहे हैं, पेट से आता है तो पेट से प्रेशर पड़ता है जब आप हंसते हैं, तो वैसे ही आपका हंसी ऑर्गेनिकली रियल क्रिएट होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस पे हम बाद में जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी रखिए क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं। आपके पास आपके दिमाग जो है ना वो एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, उसमें लोगों को देखते रहिए रैंडमली, ऐसा नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कोई हंस रहा है मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूं ऐसे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, तो वो तो आगे थप्पड़ मार देगा आपको क्या 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 कर रहा है। लेकिन कोई रैंडमली रास्ते में कितने लोग कितने तरीके से हंसते हैं, हंसने को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है और खुद को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि आप कैसे हंसते हैं, आप अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं। पहले सेल्फ को तो थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद दूसरों को जानेंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या है मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा समझने के लिए कि एग्जैक्टली हास्य रस जो नाट्यशास्त्र में लिखा गया है, हम क्या करते हैं ना, हम वो जो नवरस है नवरस का एक प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने एक एपिसोड भी गरिमा के साथ बनाया था तो हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस किया था, मैंने जब NSD में भी किया मैंने नवरस का प्रैक्टिस किया। लेकिन मुश्किल यहाँ पे होता है हम हास्य रस का प्रैक्टिस करते वक्त हंसते हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि रस हमेशा जो उस पार ऑडियंस है मतलब आप लोग मुझे देख रहे हैं तो उस पार हमेशा रस पैदा होता है, रस उत्पन्न जो होता है वो उस पार होता है, इस पार नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हंस रहे हैं कोई सीन पे आप हंस रहे हैं एकदम ट्रेजेडी बहुत बड़ा सीन है लोग भी हंसे, जरूरी नहीं है ऐसा। तो वो अगर हंस नहीं रहे उनके पास जो आपके इमोशन के थ्रू उनके पास जो पहुंच रहा है इमोशन उससे उनके बीच क्या पैदा हो रहा है, उनके अंदर क्या पैदा हो रहा है, किस तरीके का इमोशन। जैसे मान लीजिए कि अगर नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि हास्य रस ऑडियंस में, रस जो है वो ऑडियंस में पैदा होता है, तो अगर आप लोग चार्ली चैप्लिन देखते हैं, आप लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते हैं, आप लोग बीवी की वाइंस भी देखते हैं, इसमें कोई भी खुद हंसते नहीं है, आपको मजा आता है दिखने में। अगर चार्ली चैप्लिन मिस्टर बीन वहां से पूरा सीरीज देखे या कोई भी आप गोलमाल मालामाल वीकली हेरा फेरी वेलकम जो भी सारे फिल्म से वो आप सारे या फिर हैंगओवर का जो सीरीज है वो सारे जो कॉमेडी सीरीज है वो सब आप देख ले, वहां पे सिचुएशन होता है बहुत ज्यादा ट्रेजिडी और जो होना नहीं होता है कॉमेडी अपने आप में वो क्रिएट कर देता है, जो होनी है मतलब कुछ होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ कुछ और हो गया। जैसे मैंने कहा शुरू में कि आप दोस्तों के साथ चल रहे हैं और आप बोल रहे हैं भाई मैं तो 200 किलो लेकर ऐसे चेस्ट मारता हूं मेरे को दर्द नहीं होता ये नहीं होता छा, अब पूरा ऐसे केले के छिलके में गिरे
वो कह रहे कहाँ गया भाई तेरा बाइसेप, कहाँ गया तेरा ट्राइसेप, 200 किलो से मारता है। तो लोग हंसेंगे क्योंकि जो होने वाला था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया। इसलिए आप टॉम एंड जेरी देखिए या फिर उनके एक्सप्रेशन देखिए, कितना लार्जर देन लाइफ होता है वही छोटी चीज कि एक चूहा और एक बिल्ली की कहानी आप रास्ते में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, चूहा बिल्ली, लेकिन उसको कितना सोच करके बढ़ाया गया। या फिर जो आप चार्ली चैपलिन देखते हैं या फिर मिस्टर बीन देखते हैं या जो भी इंडियन सीरीज जो भी मैंने आपकी आपको बात की, सीरियल बहुत फेमस है और वीवी के वाइंस या फिर जो भी और भी बहुत सारे कॉमेडी सीरीजेस हैं, तो उसमें आपको मजा आता है, वो एक्टर्स हंसते नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक एक्टर हैं और आपको हंसना है किसी भी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि गब्बर सिंह एपिक कैरेक्टर शोले में जब वो खुद हंसते हैं कितने आदमी थे बोल के, तो उस हंसी में आपको थोड़ी हंसी आता है, आप बहुत बैठ के देखते हैं, बिल्कुल गंभीर होकर देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मोगैम वो खुश हुआ या फिर अभी भी जो सारे हैं, तो क्योंकि आपको पता है बहुत ट्रेजेडी सिचुएशन चल रहा है उसमें एक्टर हंस रहा है, तो इसलिए एक्टर जो हंस रहा है उसका जो प्रैक्टिस है वो अलग है, लेकिन हास्य रस और जो एक्टर हंस रहा है ये दोनों में डिफरेंस है। तो इतना समझने की जरूरत है और मुझे ये पढ़ते हुए या काम करते हुए मुझे ये समझ आया कि अच्छा ये अंतर होता है। एग्जैक्टली हम उसको हास्य रस नहीं कह सकते क्योंकि रस जो होता है वो लिखा ही गया है कि ऑडियंस के अंदर पैदा होता है। तो अभी हम इस पे काम करेंगे कि हमें हंसना कैसे, कोई भी सिचुएशन में, मैंने जैसे ऑब्जर्वेशन की बात आपको बताया कि कोई भी सिचुएशन में आप जब रियल करने की कोशिश करते हैं कि वो रियल कैसे होता है। जब मैं क्लास करता हूँ तो मैं एक दिन सुबह उठा और मदारी फिल्म है इरफान खान साहब का, बहुत अच्छी फिल्म है, यूट्यूब में है, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो फिल्म जरूर देखें। वो इतने रियल होते हैं हर चीज़ में। मैं सुबह उठा और मैंने अपने रूममेट को कहा कि भाई आजा देखिए बंदा कैसे करता है, क्या है मतलब, क्या है, क्या रिसर्च किया होगा उन्होंने, क्या किया होगा उन्होंने और कितना रियल है। तो रियल को जनरेट कैसे करते हैं, जो स्विच ऑफ स्विच ऑन कहते हैं कि अगर मैं एक वीडियो को कहीं पे मेरा शूट हो रहा है और उसको 10 टेक देना पड़ता है, तो 10 टेक में ही अच्छा होना चाहिए। और अच्छा क्रिएट करने के लिए आपको बॉडी, आपका जो वॉइस है, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप किसी मेमोरी पर जाकर रोने लग गए, किसी मेमोरी पर जाकर आप हंसने लग जाएंगे, तो फिर वो एक ही बार होगा, दो ही बार होगा, कितनी बार आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम अगले एपिसोड में इसके ऊपर बात करेंगे कि जेनरेट कैसे करें हंसी, जो स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, आप तुरंत यहाँ पे है और आपका कोई सीन है और हंस के बोल रहे हैं, और उसके साथ मैं कुछ मोनोलॉग्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको, आप अगर बिल्कुल घर में प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी मैं भेजता हूँ, मैंने पिछले भी कई सारे एपिसोड ऐसे बनाया है, मैंने मोनोलॉग के ऊपर बनाया, मैंने कहा कि जो फेसबुक ग्रुप है वहां पे आप लोग भेजिए इसको करके, तो देखने का फायदा क्या है, आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप जो करते हैं, आप बिना कुछ और कुछ करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं तो भेजते, बहुत लोग भेजते ही नहीं है, तो उतना टाइम दीजिए। अगर आपको एक्टर बनना है, सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं बन पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू डू इट, आपको करना है। मैं जब YouTube शुरू कर रहा था तो मैं इतना ऐसे बात ही नहीं कर पाता था, आज एक टेक में सीधा बात करके चला जा रहा हूँ, जो मुझे कहना है वो मैं कह पा रहा हूँ। तो इसलिए आपको भी एक मुकाम हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप ये जो हमारा फेसबुक ग्रुप है ब्रेड बटर टोस्ट का, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजें और आप वहाँ पे वीडियो बना के भेजें, लेकिन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दूंगा। और आपको ये एपिसोड देख के क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताऊँ, क्योंकि आपका कमेंट के बिना मैं समझ नहीं पाता हूँ आपको क्या चाहिए। इसलिए मुझे बहुत कमेंट पढ़ के लगा कि मुझे इमोशन पे कुछ बताना चाहिए आप लोगों को, आप लोग थोड़ा समझे और घर पे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसको समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ। और अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमेशा साथ रहते हैं और लाइक, एक लाइक तो बनता ही है, इतनी देर बात कर ली, पसीना भी आ गया बिना फैन चला। तो मिलते हैं, ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस के साथ और मोनोलॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।